तो मैं रांगी न्यूज के लिए नरेंद्र रांगी। जैसा कि आप जानते हैं, जब से श्रुति चौधरी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनी है भिवानी के अंदर, आज पहुंचने वाली है और भिवानी गांव का जो बुआनी खेड़ा हल्के का जो खरक गांव है, यहां पर जो बहन श्रुति चौधरी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा बुआनी खेड़ा गाँव खरक में आर्थिक अभिनंदन है, जिसका स्वागत कर रहे हैं भाई दीपेश सारसर। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर एक भारी उत्साह है। इस उत्साह के बीच में ही आप देखिए कि कल जो नारनौल के अंदर मैडम श्रुति चौधरी का प्रोग्राम था, बहुत ही जानदार और शानदार प्रदर्शन रहा। उससे बढ़कर भी आज भिवानी के अंदर मैडम का प्रदर्शन किया जा रहा। आप देख सकते हैं कि जो ही मैडम भिवानी जिले की सीमा में प्रवेश करेगी गाँव खरक के पास, उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान करने वाले देखिए आप, हजारों की संख्या में यहाँ पर सभी साथी पहुंचे हुए हैं। Thank you.
ये जो आप काफिला देख रहे हैं, ये जैसे ही मैडम सुरुचि चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बनकर बवानीखेड़ा हल्के के गांव खरक में पहुंची, वहाँ दीपेश सारसर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बवानीखेड़ा से, उन्होंने उनका एक भव्य स्वागत किया है। आप देख रहे हैं जैसे ही मैडम सुरुचि चौधरी बवानीखेड़ा हल्के के गांव खरक में पहुंची, वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई दीपेश सारसर ने उनका एक जोरदार भव्य स्वागत किया। आप देख सकते हैं खरक गांव से जो मैडम सुरुचि चौधरी के साथ दीपेश सारसर के द्वारा जो काफिला इकट्ठा किया गया था, वो काफिला साथ चल रहा है। अंदर होले सब सावधानी से चल रहे हैं। यह आप देख रहे हैं कि गांव खरक के अंदर जो कि बवानीखेड़े विधानसभा क्षेत्र का गांव है, यहां पर देख सकते हैं दीपेश सारसर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक भव्य स्वागत किया है। और यहां खरक गांव के अंदर देख सकते हैं कि लोग आने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर बहन सुरुचि चौधरी का पूरा मान सम्मान किया। आप देख रहे हैं कि जो मैडम सुरुचि चौधरी है प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पहुंची बवानीखेड़ा हल्के के गांव खरक से, आप देख सकते हैं कि लगातार उनका जो काफिला है वो भिवानी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहन सुरुचि चौधरी जो आज भिवानी में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंची है, उनका जो बवानीखेड़ा क्षेत्र का गांव खरक लगता है, खरक में पहुंचने पर जो वहां के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं भाई दीपेश सारसर जी, उन्होंने आज अपने जन सं और सभी तरह से उनका बहन सुरुचि चौधरी का भव्य स्वागत किया है। आप देख सकते हैं कि खरक से भिवानी की तरफ बढ़ता हुआ मैडम सुरुचि चौधरी का जो काफिला है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां, आप देख सकते हैं भाई दीपेश सारसर के द्वारा जो ये आप एक काफिला देख रहे हैं, जो मैडम सुरुचि चौधरी है वो बिल्कुल गांव बामड़ा के निकट पहुंच चुकी है।
और ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो भाई दीपेश सारसर उनका काफिला मैडम श्रुति चौधरी जी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और भिवानी पास पूरे भिवानी को बहुत ही खुशी है कि मैडम किन चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी और चौधरी सुरेंद्र सिंह की आप कार्यकर्ताओं का जज्बा देखिए कि रोहतक से ही पीछे बाइक पे ये देख सकते हैं आप कार्यकर्ताओं का जज्बा बिल्कुल मैडम की गाड़ी के साथ साथ रोहतक से ही चल रहे हैं। चौधरी जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भिवानी पहुंच रही है तो देख सकते हैं आप पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या पूरे हरियाणा के अंदर एक खुशी का माहौल है। और मैडम ने जब कल नारनौल और वहां के दौरे किए तो वहां भी एक पूरा जन सैलाब उमट पड़ा था, मगर आज भिवानी के अंदर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि काफिला जहाँ तक दिखाई दे रहा है मैडम श्रुति चौधरी का काफिला ही काफिला नजर आता जा रहा, और ऐसे ही जगह जगह पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं भिवानी में पहुँचने से पहले ही। जो अलका बुवानी खेड़ा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई दीपेश सारसर उन्होंने हर गांव के अंदर एक भारी जनसमूह के साथ मैडम श्रुति चौधरी का हार्दिक अभिनंदन किया है और पगड़ी पहनाकर उन्हें विश्वास दिलाया कि जब भी मैडम कहेगी वो हमेशा तैयार मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वीडियो के माध्यम से कि एक बहुत भारी काफिला रोड के ऊपर जहाँ तक की नज़र जा रही है आप देख सकते हैं भाई दीपेश सारसर का एक काफिला नज़र आ रहा है। मारी हुई है नहीं छोरी गुटे रोमी बैठा गड्डी में बात होगी श्रुति के साथ। ठीक ठीक है जी भाई नवीन धारणवास सरपंच साहब भी आ रहा है बांगला और आ जाओ खड़े आड़े बीच में थोड़ा थोड़ा चलते रहे हाँ चलते रहे धारणवास ही अधर है नवीन धारणवास ही अधर है हेलो। आप देख सकते हैं कि जो बहन श्रुति चौधरी है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भिवानी पहुंच रही है और जहां से
भिवानी का एरिया शुरू होता है, वहाँ से ही देख सकते हैं आप कि हजारों की संख्या में पीछे मैडम के गाड़ियों का काफिला चल रहा है। आप जहाँ से भी नज़र जा रही है आप देख सकते हैं कि मैडम के पीछे गाड़ियों का काफिला ही काफिला नज़र आता जा रहा है। कल भी नारनौल का जो प्रोग्राम था वहाँ से मैडम श्रुति चौधरी एक भारी भरकम, ये आप जहाँ से देखें काफिला और भीड़ बहुत ही नज़र आ रही है, जहाँ तक भी नज़र जा रही है मैडम श्रुति चौधरी के काफिले के अंदर भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ से दिखा दे कि कितना भारी जनसमूह भिवानी की जनता का उमड़ पड़ा है। मैडम श्रुति चौधरी अभी जो भिवानी का जो क्षेत्र पड़ता है गांव बामड़ा विधानसभा का और लोकसभा का भी वहां पर पहुंच चुकी है। देखिए महाराज जी पर ने आज ये बहन श्रुति चौधरी कार्यकारी का अध्यक्ष बन के आई है, इसलिए आज बहुत हमारे नेता आई है, भिवानी की आने वाली नेता है और इसमें भीड़ देखो और भीड़ तो हम देखने लग रहे हैं। आप बताओ आप के कुछ प्रोग्राम करके आए हो, हम कुछ आपका प्रोग्राम आपका विजन के है भिवानी तक का? हम बाइक लेकर आए हैं, हमारी जो मैडम किरण चौधरी ने ड्यूटी लगाई थी हम हमारी ड्यूटी पर खड़े उतरे हैं और आगे भी हम खड़े उतरेंगे, जो हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी खरी नहीं पाएंगे। नमस्कार जी, तो आप बताएं आप जो मैडम श्रुति चौधरी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनकर भिवानी पहुंची है तो भिवानी के दिल में आज क्या कुछ चल रहा है? आज भिवानी अपने बेटी का स्वागत कर रही है और आने वाली भावी हमारी मैडम किरण चौधरी सीएम का स्वागत कर रही है। हमारी बहन जी आज पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भिवानी में कदम रख रही है, तो भिवानी शहर पूरे तहे दिल से बहन जी का स्वागत कर रहा है और हम युवा साथी बार बार स्वागत करते हैं बहन जी का भिवानी पहुंचने का। Thank you.
Madam Kiran Chaudhary, Jindabad, Madam Kiran Chaudhary, Jindabad, Madam Shruti.
श्रुति चौधरी जिंदाबाद, चौधरी सुरेंद्र सिंह रूहानी में तो एक तरह से जैसे आप देखते हैं कि कितना जन सैलाब बढ़ के आज आया है और ये दर्शाता है कि कितने मजबूती के साथ कांग्रेस आज है और आने वाले समय में लोगों ने अपना पूरा मूड बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो विकास जो करती है। आप देखिए हमारे टाइम पे कितना काम यहाँ पे हुआ था, चाहे सीवरेज का चाहे पानी का, कितने बड़े बड़े यहाँ पे सीवरेज प्लांट्स बने थे, यहाँ पे NCR में मैंने शामिल करवाया था। अब तो इस प्रकार से भिवानी का हाल है, गली गली का, जैसे यहाँ पे कोई सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई ज्ञान लेने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप आगे कांग्रेस राजनीति करेंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार, आज के दिन गर्मी है ना, लोगों के पास पानी ठीक से आ रहा है, बिजली की प्रॉब्लम है, नौकरियां नहीं है, महंगाई अलग से है, तो कहाँ है ये सरकार? लोगों के लिए तो काम कर नहीं रही। भ्रष्टाचार का मामला काफी गंभीर है, बीमारी की बात करें, रोहतक के सांसद भी सवाल उठा रहे हैं, CM पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या मानते हैं भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगे, कितनी विफल है कांग्रेस और BJP सरकार? देखिए आज के दिन भी कांग्रेस किसी भी तरीके से विफल नहीं है, आज के दिन भी कांग्रेस बराबर में खड़ी हुई है BJP अपने बलबूते पे उन्होंने नहीं बनाई सरकार, 40 उनके MLAs हैं, 31 कांग्रेस के, और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो भ्रष्ट जो सरकार है, चाहे इनके कोई भी नेता हो, ना तो ये फील्ड में दिखते ना लोगों का काम करते। सुडल साहब को जेल हुई है कल दोबारा से 4 साल की, तो उस पर क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में कैसे बदलाव आया? देखिए वो बुजुर्ग है और जो न्यायालय ने फैसला लिया है वो सर माथे उनको वो बात उनको कबूल करनी पड़ेगी, और अभी ही जेल से आए थे और उनको ये सज़ा हो गई, तो वो कोर्ट का ऑर्डर है। जी जो BJP है वो निशाना साध रही कि कांग्रेस जिस तरह से 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने, वो कह रहे कि 1 महीने भी अगर ये स्टेज पर इकट्ठे बैठ जाएं तो बड़ी बात है। उनको बोला अपना घर संभाल ले पहले, अभी अभी अरविंद शर्मा जी ने जो सांसद हैं रोहतक में क्या बयान दिए थे, बाकी जो बड़े बड़े मंत्री भी जो हैं इनके जो हरियाणा के बने हुए हैं सारे बयान देते हैं, सांसद बयान देते हैं, तो उनको बोलो पहले अपना घर संभालें फिर हमारी जाकर चिंता। अब जो रोड शो रहा आपका उसके आधार पर क्या भिवानी में अब आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का क्या कर रहे हैं? एक तरफा लोगों ने अपना मन बना लिया है, आशीर्वाद है, लोग जानते हैं कि किसने विकास किया है और साथ कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें कब तक आ सकते हैं भिवानी और आज और कल के अंदर? रंजीत फतेहबाद में कल रैली है विपक्ष आपके द्वार, उसमें जो होल्डिंग्स है उसमें कार्यकारी कोई भी अध्यक्ष है उसका फोटो नहीं है, किरण जी ने उस पर ऐतराज़ भी जताया, सवाल भी पूछे, तो क्या मानते हैं कि जो माना जा रहा था कांग्रेस एक होगी लेकिन गुटबाजी अभी से शुरू होगी? देखिए ये छोटी बात है और कल मेरा निमंत्रण है, मैं रैली में जाऊँगी और ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात मानते गुटबाजी खत्म हो गई नहीं होगी कांग्रेस में? ये आज के दिन कांग्रेस इकट्ठी खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। आप ये देखिए जहाँ पे राहुल जी ने सोनिया जी ने इतना अच्छा पूरा की पूरा हमारा जो संगठन है वो तैयार होगा और कांग्रेस और भी मजबूती के साथ खड़ी है। तो 24 में क्या टारगेट है, मानते सत्ता में आएगी? बिल्कुल, यहाँ पे आज भी मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस है और मैदान में कांग्रेस है और जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल मुकाबले में खड़ी हुई है, बाजू में खड़ी हुई है, BJP ने अपने दम पे सरकार नहीं बनाई। क्या आम आदमी पार्टी की जीत पंजाब में उसके कारण थोड़ा सा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए सब ये तो पॉलिटिक्स है और लोगों तक आप अपनी बात पहुँचाइए, मेहनत करिए और लोग साथ देते हैं।